नमस्कार, JK 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रिया आपके साथ। फिलहाल आपको बता दें कि 2 का पंच का हो चुका है वक्त, यानी कि 2 बजे की वो 5 बड़ी खबरें जो सुबह से ही सबकी नजरों में रही हैं। ऐसे पे अब हम करेंगे चर्चा अपने प्रोड्यूसर से, अपने संवाददाता से कि आखिर क्या कुछ इस वक्त तक हो चुका है उन खबरों में। और आपको बता दें कि सबसे बड़ी खबर पर भी होगी हमारी नजर, सीबीआई वर्सेस ममता का जो पूरा मामला पश्चिम बंगाल में चल रहा है उस पर भी हमारी नजर होगी। लेकिन फिलहाल आपको दिखा देते हैं वो 5 बड़ी खबरें जिन पर आज हम चर्चा करेंगे, यानी कि 2 का पंच में जिन खबरों पर चर्चा होगी वो 5 बड़ी खबरें कौन सी है। सबसे पहली खबर सीबीआई वर्सेस ममता का जो पूरा ड्रामा, जो पॉलिटिकल ड्रामा इस वक्त पश्चिम बंगाल में चल रहा है उसको लेकर हम ज्यादा जानकारी लेंगे अपने प्रोड्यूसर से, अपने एग्जीक्यूटिव एडिटर से और साथ ही संवाददाता से। वहीं दूसरी खबर आपको बता दें कि आरएलएसपी का जो प्रोटेस्ट जारी है, जहां उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जब लाठीचार्ज किया गया था जिसमें वो घायल हो गए थे उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे, क्या कुछ उस पर जानकारी मिल रही है वो लेने की कोशिश करेंगे। तीसरी खबर जो है कुंभ को लेकर, कुंभ को लेकर भी बातचीत होगी। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि बाराबंकी में पोस्टर जो लगाए गए हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी के आने के बाद से ही लगातार सियासत जो है वो गर्माती हुई नजर आ रही है, ऐसे में बाराबंकी में जो अब पोस्टर लगते हुए नजर आ रहे हैं प्रियंका गांधी पर, उस पर क्या कुछ लोगों का नजरिया है वो भी जानेंगे। और फिलहाल नितिन गडकरी और स्मृति ईरानी का जो बड़ा बयान आया है बीजेपी को लेकर उस पर भी हमारी चर्चा होगी। यानी 2 बजे की 5 बड़ी खबरें जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं 2 का पंच में, उस पर चर्चा होगी, क्या कुछ इस वक्त तक जानकारी मिल पाई है हम तक वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे कि पूरी खबर का विस्तार से लगातार चर्चा कर सके, इस पर बातचीत कर सके। लेकिन फिलहाल पहली खबर की करते हैं बात। फिलहाल खबरों से पहले आपको सीधा लोकसभा ले चलते हैं जहां पर कार्रवाई जारी है और सीबीआई वर्सेस ममता का मामला भी लगातार गर्माता नजर आ रहा है। देखते हैं क्या कुछ चल रहा है वहां। प्लीज प्लीज आप सीट पे जाइए, यू नो व्हाट एवर इट इज, हम प्लीज गो टू योर सीट, लेट अस स्टार्ट। इससे तो नहीं मामला बनता नहीं है कुछ भी, प्लीज 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 गो टू योर सीट। हमें राष्ट्रपति अभिभाषण शुरू करने दो प्लीज प्लीज प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी सदस्यों को अनुरोध करना चाहता हूँ महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव देने के लिए, ये चर्चा का समय है। महामहिम राष्ट्रपति जी हमारे देश के सर्वोच्च हैं, उनको धन्यवाद इस सदन में देना ही चाहिए। इसलिए मैं सभी सदस्यों को आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूँ वो अपनी सीट पर जाएं और इस चर्चा को प्रारंभ करें और राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देने में सहयोग करें। का मामला वैसे भी कोर्ट में है, लेट द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड ऑल दिस थिंग्स, यहाँ तो नहीं हो सकता है कुछ भी, इट कैन बी हियर। सभी सभी चोर तो हम ही समझदार क्या। तो लोकसभा में किस तरह से सीबीआई वर्सेस ममता का मामला पूरी तरह से गर्माता जा रहा है, लगातार पीछे से नारेबाजी भी की जा रही है जिसकी वजह से फिलहाल के लिए स्थगित कर दी गई थी कार्रवाई, लेकिन एक बार फिर से कार्रवाई शुरू हुई है। लेकिन फिर अभी भी हंगामा उसी मुद्दे को लेकर चल रहा है। लेकिन फिलहाल खबरों की ओर बढ़ते हैं और सबसे पहले बात सबसे बड़ी खबर की, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कल जो पॉलिटिकल ड्रामा देखा गया जहां एक तरफ सीबीआई और पुलिस आमने सामने थी, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले में कूदकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज कर दी हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे प्रोड्यूसर आजाद खालिद भी इस पर रहेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरह की चीजें देखी जा रही हैं और हमारे संवाददाता निशांत राय भी इस खबर पर जुड़ेंगे। निशांत, अब जहां एक तरफ सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और उनकी अर्जी पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी हाई कोर्ट जहां पहुंची है और कहा है कि सीबीआई ने जबरदस्ती कोशिश की है आने की, ना उनके पास कोई सर्च वारंट था और इसको लेकर फिलहाल क्या कुछ कहेंगे। देखिए,
देखिए बंगाल की जो सियासत है अब वो मतलब विपक्ष का एक केंद्र बन गई है और विपक्ष को लीड इस समय ममता बनर्जी कर रही हैं। दरअसल आपने देखा कल पूरे मामले के बाद से किस तरीके से विपक्षी एकजुटता देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ सीबीआई को लेकर और स्टेट पुलिस को लेकर जो तकरार थी अब एक बड़ा सियासी रंग ले चुकी है। इधर दिल्ली में बीजेपी का डेलीगेशन जाता है चुनाव आयोग, सुबह सीबीआई जाती है सुप्रीम कोर्ट, उधर कलकत्ता में ममता बनर्जी हाईकोर्ट का रुख करती हैं और सीधे तौर पर आमने सामने की लड़ाई के लिए तैयार हो जाती हैं। राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल से लेकर चंद्रबाबू नायडू, तमाम विपक्ष के नेता एकजुट हो जाते हैं ममता का साथ देने के लिए। तो कहीं ना कहीं 2019 की जो चुनावी राजनीति है उसकी शुरुआत हो चुकी है और इस बार वो केंद्र बंगाल बना है। बंगाल में ममता बनर्जी विपक्ष के इस पूरे मूवमेंट को अब लीड कर रही हैं और विपक्ष उनके साथ आ खड़ा हुआ है। दूसरी तरफ केंद्र की सरकार की बात की जाए, बीजेपी की बात की जाए, तो वो दिल्ली से कलकत्ता को घेरने की तैयारी कर रही हैं। बिल्कुल, और निशांत साथ ही साथ ये साफ तौर पर देखा जा रहा है सीबीआई बनाम ममता के साथ साथ ये केंद्र बनाम विपक्ष की लड़ाई या फिर ये कहीं विपक्ष बनाम केंद्र की लड़ाई भी अब बन चुकी है और ऐसे में लोकसभा चुनाव भी बिल्कुल करीब है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कल कुछ फैसला करता है वो भी देखने वाली बात होगी। वहीं दूसरी तरफ जब ममता बनर्जी इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंच चुकी है तो अब ये मामला और ज्यादा बढ़ता नजर आने लगा है। देखिए चूंकि सुप्रीम कोर्ट बड़ा कोर्ट है और जाहिर बात है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो ही माना जाएगा। हमेशा उच्चतम न्यायालय जो है सर्वोच्च न्यायालय उसका ही फैसला मुख्य होता है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कल सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है इस पूरे मामले को लेकर। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से तमाम बीजेपी के नेताओं को रैलियों के लिए वहां हेलीकॉप्टर की परमिशन नहीं दी जा रही थी, बीजेपी ने आज चुनाव आयोग में इसकी शिकायत की है, लेकिन चुनाव आयोग का साफ तौर पर कहना है कि जब आचार संहिता लगती है उसके बाद से चुनाव आयोग वहां पर कुछ कर सकता है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने यहां तक कहा है कि ममता बनर्जी लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं रखती हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल में चुनाव में किस तरीके से चीजें होंगी और हमने पंचायत चुनावों के दौरान भी देखा था कितनी हत्याएं हुई थी और तमाम जगह से हिंसा की खबरें आई थी। ऐसे में पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव को लेकर एक अपने आप में चुनाव आयोग की भी चिंता होगी कि वहां किस तरीके से चुनाव कराया जाए। निशांत, जहां एक तरफ बीजेपी की पूरे टीम जो है वो अब चुनाव आयोग पहुंच चुकी है, एक मामला ये चल रहा है, वहीं पश्चिम बंगाल में जो कल पॉलिटिकल ड्रामा देखा गया है उसको लेकर भी सीबीआई जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंची। अब देखने वाली बात ये होगी कि मामला किस तरह से जल्द सुलझाने की कोशिश की जाती है। निशांत, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सीनियर प्रोड्यूसर इस वक्त खालिद हसन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खालिद हसन जी, अगर बात की जाए सीबीआई वर्सेस ममता के मामले की, जहां एक तरफ सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंची है लेकिन फिलहाल सुनवाई कल होगी, क्या लगता है आपकी नजर में किस तरह से आप देखते हैं इस मामले को? देखिए एक तरह से तो आप ये मान लीजिए कि ये जो मामला है अब सीबीआई विवाद पर कोलकाता से लेकर दिल्ली तक संग्राम छिड़ चुकी है और उसकी वानगी भी देखने को मिल रही है। आप अभी देखिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जमकर हंगामा हुआ, हंगामे के बाद लोकसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। हालांकि राज्यसभा में अभी भी टीएमसी इस मुद्दे को लेकर हंगामा कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि सीबीआई के मुद्दे पर इतना तूल क्यों दिया जा रहा है? आखिर संवैधानिक जो ढांचे हैं उससे टकराव के लिए सरकार या विपक्ष क्यों सामने आ रहा है, इस तरह की स्थिति क्यों पैदा हो रही है, इस पर सोचने की जरूरत है। राजनीतिक लाभ के लिए अगर आप संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल करेंगे तो इसका ना सिर्फ देश में गलत मैसेज जाएगा किसी के लिए भी, या ना इसके अलावा विदेश में भी इसका गलत मैसेज जाएगा। इसलिए जरूरत है कि जो साख भारत की बनी हुई है उसे आज के जो राजनीतिक दल हैं उसको बचा कर रखें। हाँ, जाहिर सी बात है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आज सख्त टिप्पणी की है, एक तरह से ये मान के चलिए कि सीबीआई के लिए झटका है। उन्होंने साफ कहा है कि आप जो सीपी हैं वहां के उनके खिलाफ सबूत लाइए, सबूत अगर आप लाते हैं तो ऐसी कार्रवाई करें कि वो याद रखेंगे। तो कहीं ना कहीं एक सख्त मैसेज है। ये भी वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पिछले 2-3 महीने से सीबीआई विवाद को लेकर जो बवाल चल रहा है और जो लोगों के मन में उसके प्रति जिस तरह से संदेह पैदा हो रहा है, कोर्ट भी चाहेगा कि इस तरह के संदेह को दूर किया जाए। क्योंकि आप जिस तरह से सीबीआई की जो उस पर टिप्पणी थी उससे कहीं ना कहीं उसमें एक पहला यही बात उसमें कहा गया है कि जिस तरह के आरोप सीबीआई लगा रही है सीपी पर उसमें पहले नजर में यह फर्जी समझ में आ रहा है।
अब ये कल क्या सबूत पेश करते हैं उसके बाद से पता चलेगा कल सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या डिसीजन लेता है। लेकिन उधर ममता बनर्जी हाई कोर्ट पहुंच गई हैं, यानी कि मामला अभी शांत होता नहीं दिख रहा है। जो ड्रामा आज खत्म होना चाहिए था वो कल भी बरकरार रहने की उम्मीद है। जब तक कोर्ट इस पर कुछ निर्णय नहीं लेता तब तक राजनीति चलती रहेगी इसी तरह से। बिल्कुल, और सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर इस वक्त हमारे साथ इश्फाक गौहर भी जुड़ चुके हैं। यानी कि अब देखा जाए तो इश्फाक गौहर जी, अब साक्षियों पर बात होगी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्योंकि इस वक्त जरूरत है कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी संस्था, जितनी बड़ी संस्था ही सरकार की, इसे बचाने की जरूरत है। सीबीआई 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 लगातार लोग सुनते आ रहे हैं, जो आज भी मुद्दा चल रहा है उसमें सीबीआई की साख पर अभी भी बनाई है। ऐसे में अब बात होगी साक्षियों को लेकर। देखिए बिल्कुल, सरकार के लिए कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट है। तुषार मेहता जी ने जो फाइल एफिडेविट किया है उसको अगर आप इन लेटर एंड स्प्रिट देखेंगे तो कहीं ना कहीं कमी जो है वो मुझे साफ नजर आ रही है। अगर नहीं होती तो शायद वो आज ही डॉक्यूमेंट एविडेंसेस साथ रख के सुप्रीम कोर्ट में चले जाते और आज ही ऑर्डर वहां से निकलवाते। अब देखना होगा कि कल वो क्या रखेंगे, क्योंकि फाइल को जब आप परस्यू करते हैं 2017 में, जब इसी केस को लेकर इसी पुलिस अफसर से दिल्ली से पूछताछ के लिए चिट्ठी गई थी, तो उन्होंने दो तीन चीजें लिखी थी। आप उनका नाम क्यों ले रहे हैं, उनका इस केस के साथ कुछ भी नहीं है और उनको पॉलिटिकली फंसाने की कोशिश की जा रही है। जो पुराने सीबीआई के डायरेक्टर थे उनके नाम उन्होंने चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी का हवाला अब आप सुनेंगे थोड़ी देर में, अब वो आना शुरू हो जाएगा कि कंटेंट उस चिट्ठी का क्या था क्या नहीं था। इसीलिए सीबीआई इस वक्त जो है उसकी साख दांव पर लगी है। एक तरफ से सरकार की दाव जो है सरकार पर भी है कि सरकार सीबीआई को गलत इस्तेमाल कर रही है, और दूसरी तरफ से सीबीआई की अपनी क्रेडिबिलिटी भी जो है वो भी अब स्टेक पर। और दूसरा, अब दो जगह पर केस है, सुप्रीम कोर्ट भी है और लोकल हाई कोर्ट के अंदर भी है। ये दोनों डिसीजन क्या देते हैं वो भी देखने वाला होगा। थोड़ी देर पहले हमने देखा कि ममता बनर्जी ने अब क्लियर किया वो हटेंगी नहीं, क्यों, हमने कहा कि व्यवस्था की जाए, पानी के पीने की व्यवस्था यहां पर और टेंट लगाया जाए बैठने के लिए। साथ साथ थोड़ी देर पहले उन्होंने कैबिनेट भी बुलाई, क्योंकि आज बंगाल का जो है बजट आने वाला है और बजट से पहले जो कैबिनेट मीटिंग थी वो उन्होंने ली है, उन्होंने बजट को हरी झंडी दे दी है। वो सारी चीजें साइमल्टेनियसली भी कर रही है और खुद धरने पर भी बैठी है। एक यानी उससे यह संकेत है कि धरना अभी खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा, ना ही मुझे यह उम्मीद है कि कल अगर कुछ आता है तो धरना इतनी जल्दी खत्म होगा। एक और दूसरा, आप थोड़ा सा इसको और पीछे खींचिए, इससे पहले सीबीआई ने कार्रवाई किसके खिलाफ की, मायावती के खिलाफ, अखिलेश के खिलाफ और भी कुछ नेताओं के खिलाफ, लेकिन इतना बड़ा हंगामा कहीं नजर नहीं आया। सो डायरेक्टली फाइट जो है वो 2019 है, सीबीआई को सामने रखते हुए ममता बनर्जी ने अपने आप को दिखाया कि वो एक ऐसी सोल लीडर है जिसके साथ पूरा देश है। यहां पर दो फैक्टर्स को काफी बड़ा नुकसान है, लेफ्ट पूरा हाशिए पर है, कांग्रेस नदारद है। बिल्कुल, यानी कि अब देखा जाए तो केंद्र बनाम और विपक्ष की लड़ाई ये बनती जा रही है। और जिस तरह से इश्फाक गौहर जी ने यह भी बताया हमें कि लगातार छापेमारी होती रही है, चाहे अखिलेश यादव हो, मायावती हो, अरविंद केजरीवाल तक पर ये छापेमारी की गई, लेकिन किसी ने भी इस जांच एजेंसी को रोका नहीं कि किस तरीके की जांच की जा रही है। लेकिन पहली बार इतिहास में ऐसा देखा, इस तरीके का हंगामा कभी नहीं हुआ। देखिए पी चिदम्बरम, कार्तिक चिदम्बरम, वो भी आसपास इसी केस के हैं। तो कुल मिलाकर जितने बड़े नेताओं के खिलाफ कार्रवाई है, पूर्व मुख्यमंत्री के या सिटी मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई, कहीं पर भी इस तरीके का पैटर्न नहीं देखा। लेकिन सवाल जहां पैटर्न का तो है, लेकिन वहां पर हमें उस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर जो हम लगातार कह रहे हैं कि संघीय ढांचा हमारा है, उस पर भी आज सवाल उठाए हैं और उठाने वाले कौन है जनता जानती है। बिल्कुल, तो जो सीबीआई वर्सेस ममता की लड़ाई चल रही है और इसमें जहां सियासी सरगर्मियां भी तेज दिखाई दे रही हैं, ऐसे में क्या कुछ फैसले में सुनाई देगा या फिर ये कहें कि इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर कल सुनवाई होगी। ऐसे में क्या कुछ फैसला आएगा, किस तरह से आगे की रणनीति बनाई जाएगी, वो भी फिलहाल देखने लायक होगी और सभी की नजरें उसी पर टिकी होंगी। फिलहाल अगली खबर का रुख करते हैं और बात करते हैं बाराबंकी की। आपने लगातार देखा होगा कि पोस्टर की राजनीति चुनावों से पहले काफी तेज हो जाती है, ऐसे में एक बार फिर से पोस्टर की राजनीति देखने को मिल रही है, जहां बाराबंकी में प्रियंका गांधी और साथ ही बीजेपी के सांसद की पोस्टर्स भी लगे हुए नजर आ रहे हैं, जिनका नाम है प्रियंका रावत। और इन पोस्टर्स में दोनों को अलग अलग तस्वीरों में दर्शाया गया है, जहां एक तरफ प्रियंका गांधी को, जहां एक तरफ बीजेपी सांसद को दुर्गा के अवतार में दिखाया गया है, तो वहीं प्रियंका गांधी को महिषासुर के अवतार में दर्शाया जा रहा है। फिलहाल आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहना है प्रियंका गांधी का। देखिए भाई, आप तो ये मुझे बता रहे हैं, मुझे भी खुद अभी जानकारी मुझे हुई है कि इस प्रकार से कुछ ऐसा कोई पोस्टर लगाया गया है, और इसकी जानकारी मुझे पहले नहीं थी, अभी जस्ट मुझे अभी हुई है, आप भी बता रहे हैं मुझे।
मैं जरा जानकारी करती हूँ क्या बात है वहाँ पर, क्योंकि मैंने भी उसको देखा नहीं है। मैं भी जरा इसको जानकारी करके फिर मैं इसको दिखवाती हूँ क्या बात है, किसने किया है। प्रियंका गांधी जो अभी अभी कांग्रेस में इनको फेस किया गया है, मैं बता देना चाहता हूँ जिस प्रकार कौरवों का सर्वनाश शकुनी ने किया था, शकुनी ने जिस प्रकार कौरवों का सर्वनाश किया था उसी प्रकार कांग्रेस पार्टी का सर्वनाश ये प्रियंका गांधी करेंगी। और हमारे जनपद में हम सबकी लोकप्रिय सांसद बहन प्रियंका सिंह रावत जी किसानों के साथ, युवा साथियों के साथ, हमारी बहनों के साथ, माताओं के साथ 24 घंटे खड़ी रहती हैं, चाहे वो देवा का कांड हो, चाहे वो सिरौली गौसपुर में एसडीएम का वो प्रकरण हो, उस प्रकार से सारे कांडों में कार्यकर्ताओं के लिए हमारी माननीय सांसद प्रियंका सिंह रावत खड़ी रहती हैं। और ये प्रियंका गांधी, मैं जब से कांग्रेस पार्टी को जाना हूँ, जब से राजनीति में आया हूँ, तब से देख रहा हूँ इनका परिवार केवल बड़े बड़े मंचों पर हाथ हिलाता हमको दिखाई पड़ता है। और किसी भी गरीब परिवार, चाहे वो किसान का हमारा परिवार हो, चाहे वो हमारे युवाओं के भविष्य को लेकर के हो, किसी भी युवा से वो लोग नहीं मिलते, किसी भी किसान परिवार से वो लोग नहीं मिलते हैं। इस प्रकार के केवल वो लोग मंच पर अपने हाथ हिलाने का काम करते हैं। तो पोस्टर की राजनीति एक बार फिर से शुरू हो चुकी है, ऐसे में लोकसभा चुनाव भी बहुत करीब है और बाराबंकी में जो पोस्टर देखे गए हैं उसमें साफ तौर पर कांग्रेस को महिषासुर और बीजेपी को दुर्गा के अवतार में दिखाया गया। ताबिश कमाल इस वक्त संवाददाता हमारे ग्राउंड रिपोर्ट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं और फिलहाल बातचीत करेंगे। ताबिश, क्या कुछ इस वक्त जानकारी मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से प्रियंका रावत ने भी कहा और साथ ही उनके कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिस तरह से मां दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया था, उसी तरह से अब बीजेपी कांग्रेस को हटाकर वहां जीत हासिल करेगी। बिल्कुल प्रियंका, देखिए उत्तर प्रदेश का जो माहौल है ये इन पोस्टर ने बहुत ज्यादा गर्म कर दिया है। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी में प्रियंका रावत की तरफ से हालांकि ये पोस्टर नहीं लगाए गए हैं, उन्होंने पूरी तरह से खंडन कर दिया है कि उनको इसकी जानकारी भी नहीं है कि पोस्टर किसने लगाए हैं, और वो अपनी तरफ से इसको लेकर के पुलिस कंप्लेंट भी करेंगे क्योंकि उनका नाम इसमें इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक साजिश और द्वेष की खातिर उनके नाम इस्तेमाल करके ये पोस्टर ऐसे लगाए गए हैं। और दूसरी तरफ देखिए प्रियंका, प्रिया इसमें ऐसी बात है कि पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि किसी नेता के लिए इस तरह के पोस्टर लगाए गए हो। हाल ही में बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसी रूप में दिखाया गया था, राहुल गांधी को भगवान श्री राम के रूप में दिखाया गया था। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये पोस्टर वार बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में और एक ऐसा कांड सामने आया था जब उत्तर प्रदेश के तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं के पोस्टर्स पर कालक पोती गई थी, और उत्तर प्रदेश में ही बीजेपी की तरफ से कुछ इस तरह के पोस्टर लगाए थे जो आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाया था, जिसमें दिखाया गया था कि मुलायम सिंह यादव और उनके पुत्र अखिलेश यादव को गलत तरीके से पेश किया गया। तो पहली बार नहीं हो रहा है, लगातार ये पोस्टर वार जारी रहता है। तो ये कहीं ना कहीं 2019 लोकसभा चुनाव को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, मनगढ़ंत कहानियां बनाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो पक्ष कर रहा हो कोई भी पक्ष हो। और जिसकी तरफ से पोस्टर लगाए जाते हैं, जिसको बहुत बड़ा दिखाया जाता है, उनका स्पष्ट आरोप ये हो जाता है कि वो कभी इस तरह के पोस्टर अपनी तरफ से नहीं लगाएंगे, ना उनका कोई नाम हो। ऐसे ही जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर लगाए तो कांग्रेस ने पूरी तरह से खंडन किया था। कांग्रेस ने कहा कि इन पोस्टरों की उनको कोई जानकारी नहीं है और ना ही वो इनका समर्थन करते हैं। और जब आज प्रियंका गांधी वडेरा के पोस्टर लगाए गए हैं तो फिर दोबारा से वही चीज निकलकर सामने आती है। बीजेपी पूरी तरह से इस चीज से किनारा कर रही है और बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया, उत्तर प्रदेश बीजेपी के तमाम बड़े नेता स्पष्ट कह रहे हैं कि उनकी तरफ से इस तरह के कोई पोस्टर नहीं लगाए गए, और अगर किसी महिला को सम्मान को ठेस पहुंची और इस तरह के पोस्टर लगाए गए तो उसकी जांच की जानी चाहिए, और बीजेपी इसमें तैयार है, जांच कराना चाहती है। और प्रियंका रावत खुद इस बात को कह रही है कि बाराबंकी में वो कंप्लेन करेंगी और पता लगाने की कोशिश करेंगी कि आखिर ये पोस्टर किसने लगाए हैं और क्यों ये पोस्टर लगाए गए हैं। प्रियंका जी, ताबिश फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए और हमारे से जुड़ने के लिए। लेकिन एक बार फिर से जो पोस्टर की राजनीति देखी जा रही है जिसमें महिषासुर और दुर्गा का अवतार देखा गया है, ऐसे में साफ तौर पर फिलहाल बीजेपी कार्यकर्ताओं का भी कहना है कि हमने इस तरह के पोस्टर नहीं लगाए हैं। लेकिन सवाल यही बड़ा उठता है कि आगे क्या ऐसी पोस्टर की राजनीति फिर से देखने को मिलेगी, क्योंकि लगातार लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह की चीजें फिलहाल देखने को मिल रही हैं उसके मद्देनजर अब क्या कुछ आगे होगा उसी पर सभी की नजरें हैं। फिलहाल अगली खबर का रुख करते हैं। दरअसल अब बात करते हैं बीजेपी के उन नेताओं की जिनके बयान लगातार सुर्खियां बटोरते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक बार फिर से ऐसा बयान दिया है जिसकी वजह से वो चर्चाओं में आ गए हैं। आपको सुनाते हैं फिलहाल क्या कुछ बयान दिया है उन्होंने।
फिलहाल शिवम, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, पहले उन्हें अपने घरेलू समस्याओं को सुलझाना चाहिए और उसके बाद जाकर देश की बात करनी चाहिए और बीजेपी पार्टी में जितनी भी समस्याएं चल रही हैं उसको सुलझाने की बात करनी चाहिए। और वहीं अगर बात की जाए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, उनका भी आज ही एक बयान सामने आया है शिवम, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर मोदी जी संन्यास लेते हैं तो मैं भी राजनीति त्याग दूंगी और राजनीति छोड़ दूंगी। यानी कि दोनों ही बयान फिलहाल सुर्खियों में चल रहे हैं। जी बिल्कुल, बीजेपी के नेता और उनके बयान दोनों सुर्खियों में चल रहे हैं। नितिन गडकरी की बात की जाए तो नितिन गडकरी अभी हाल ही में पहले कई बयान दे चुके हैं जिसको लेकर विपक्ष भी निशाना साधता रहा है और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं पीएम का चेहरे के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं। हालांकि वो इन खबरों का खंडन करते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने फिर से अपने नेताओं को नसीहत दी है कि पहले आप अपना घर संभालिए, फिर बाद में आप देश को संभाल सकते, क्योंकि आपका पहले घर जरूरी है। क्योंकि उनका कहने का मतलब ये था कि जैसे नेता आमतौर पर बयानबाजी करते हैं कि हम देश के लिए कुर्बानी कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इससे पहले वो वादों को लेकर अपनी पार्टी के लिए कह चुके हैं कि आप वादे तो बहुत करते हैं लेकिन ऐसे वादे करिए जो आप पूरे कर पाए, नहीं तो जनता बहुत पीटेगी। तो ये लगातार वो आईना दिखा रहे हैं अपने पार्टी के नेताओं को। बिल्कुल, क्योंकि वो सफाई देते तो कई बार नजर आते हैं, ऐसे में वो खंडन करते हैं कि मेरा मतलब ये था इस बात को बोलने का, लेकिन देखा जाए तो वो विपक्ष पर निशाना साधने के बहाने कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के लोगों को भी सीख दे रहे हैं। जी बिल्कुल, अपने पार्टी के लोगों को सीख इस वजह से भी दे रहे हैं क्योंकि जो नितिन गडकरी हैं उनके कार्यकाल को अगर देखा जाए मोदी सरकार की, तो उनका काम सबसे बेहतर बताया जाता है। तो वो एक तौर पर यह भी दिखा रहे कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं और आप नहीं कर रहे, क्योंकि आप अपने ना तो घर को संभाल पा रहे हैं, सिर्फ वादे कर रहे हैं। बिल्कुल, तो नितिन गडकरी और स्मृति ईरानी का ये जो बयान है लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। ऐसे में दोनों ही नेताओं के बयानों को लेकर फिलहाल ज्यादा बातचीत भी कही और चर्चा में आपको बताया कि किस तरह से इस बयान को देखा जा रहा है। फिलहाल अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं आरएलएसपी के मुखिया यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की। इस वक्त आरएलएसपी जिस तरह से प्रोटेस्ट लगातार कर रही है, क्योंकि आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा पर लाठीचार्ज किया गया था जिसमें वो घायल हो गए थे, इसी के मद्देनजर अब सभी कार्यकर्ता आरएलएसपी के एकजुट हो गए हैं और रालोसपा पार्टी इस वक्त बुरी तरह से प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा पर जिस तरह से लाठी चार्ज किया गया था उसको लेकर फिलहाल क्या कुछ सरगर्मियां चल रही हैं, किस तरह से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, किस तरह से प्रदर्शन लगातार जारी है, उसकी जानकारी हम लेंगे। और हमारे साथ सीनियर प्रोड्यूसर खालिद हसन एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। जी खालिद हसन जी, देखिए जिस तरह से शिक्षा को लेकर दो दिन पहले ही प्रदर्शन हुआ था, उसमें जो आरएलएसपी के प्रमुख थे वो घायल हो गए थे और उसी के विरोध में आज ये प्रदर्शन पूरे बिहार में हर जगह आपने देखा होगा, पटना से लेके और गया जहानाबाद में, खास प्रभाव वहां पर है इनका कुशवाहा का, तो वहां ये प्रदर्शन देखने को मिला है। और उस दिन जो ये प्रदर्शन हो रहा था आरएलएसपी का, वो मेन प्रदर्शन इसलिए था कि जो गरीब बच्चे हैं उनको सही शिक्षा मुहैया कराई जा सके। लेकिन जैसे ही प्रदर्शन डाक बगला के पास पहुंचा, वहां पुलिस से झड़प हो गई और उसमें पुलिस ने जब लाठी चार्ज किया तो काफी लोग घायल हो गए थे और उसी के विरोध में आज ये प्रदर्शन है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद हसन। और इस वक्त हमारे संवाददाता भी बिहार से यानी कि ग्राउंड जीरो से हमारे साथ सरोज आचार्य जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सरोज, इस वक्त क्या कुछ जानकारी आपके पास है, क्या कुछ ताजा खबर मिल पा रही है? बंदी जो की गई है रालोसपा के द्वारा, इसमें महागठबंधन के जुड़ जाने के बाद ये बंदी काफी उग्र रूप ले चुका है। कई एक जगह पे आगजनी की घटनाएं हुई हैं, कई एक जगह पे तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आ रही हैं। प्रमुख रूप से ये बंदी जो है आरा, बक्सर, कटिहार, सुपौल, इन सारे जिलों में बहुत प्रभावी रूप से सफल रहा है। जी अंजलि सरोज आचार्य, इसके अलावा क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा अभी ही एनडीए से अलग हुए थे, ऐसे में अब लोकसभा चुनाव भी करीब है, क्या इसके मद्देनजर तो ये लगातार प्रोटेस्ट नहीं किया जा रहा ताकि सुर्खियों में आया जा सके? जी ये बिल्कुल पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है, चूंकि शिक्षा के ऊपर प्रहार करके इस तरह से जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ था राजभवन मार्च के दरमियान और जिस तरह से विपक्ष ने एकजुटता दिखाई थी, कल राहुल जी की रैली भी थी, वो भी मिलने जा सकते थे, लेकिन ये लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रख करके ही पब्लिसिटी स्टंट है, चूंकि अपनी पकड़, अपनी पहुंच, अपनी ताकत सब अभी दिखाना है ताकि सीटों का बंटवारा ज्यादा से ज्यादा इनके हिस्से में आ सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल सरोज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए।
लेकिन जिस तरह से बिहार में अभी भी प्रोटेस्ट देखा जा रहा है, उपेंद्र कुशवाहा जिस लाठी चार्ज में घायल हो गए थे उसके बाद कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में रोष देखा गया, जिसको लेकर अभी भी पटना, बिहार सभी जगह पर फिलहाल प्रोटेस्ट जारी है और रालोसपा के कार्यकर्ताओं द्वारा ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जो जिसकी शुरुआत शिक्षा को लेकर हुई थी और वो प्रोटेस्ट फिलहाल रालोसपा मुखिया उपेंद्र कुशवाहा के लिए हो रहा है। फिलहाल अगली खबर का रुख करते हैं और बात करते हैं प्रयागराज में विश्व प्रसिद्ध मेले कुंभ की। आपको बता दें कि कुंभ में आज दूसरा शाही स्नान है, मौन अमावस्या पर यह शाही स्नान होने जा रहा है। ऐसे में रात से ही श्रद्धालुओं की संख्या यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। लोग बच्चों के साथ, बड़ों के साथ यहां पर शाही स्नान के लिए पहुंचे हैं और फिलहाल आपको यह भी बता दें कि साधु संतों की भीड़ भी कुंभ में देखी जा रही है। रात से ही यहां पर लोग आने शुरू हो गए थे। ऐसे में मौन अमावस्या बहुत ही शुभ दिन माना जाता है, जिसमें स्नान करना यानी कि आस्था की डुबकी लगाना कुंभ में एक विशेष तौर पर परंपरा चलती आई है और इस कुंभ में लगातार हम नई नई चीजों को भी देख पा रहे हैं, चाहे वो आकर्षण के केंद्र हो, चाहे वो टेंट हो, साधु संत हो या फिर अखाड़ों की बात हो। अखाड़ों के भी अलग अलग प्रदर्शन लगातार जारी है। साथ ही फिलहाल आपको बता दें कि इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संदीप हमारे प्रोड्यूसर जानते हैं, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? प्रिया, आज जो है कुंभ में दूसरा था, इससे पहले 15 तारीख को किया गया था शाही स्नान जनवरी को जब इसकी शुरुआत हुई, इसके बाद 10 फरवरी को अब तीसरा शाही स्नान किया जाएगा। और जिस तरह के जो वहां पे भव्य जो मंच लगाए हुए हैं, वहां पे हर अखाड़ा जो है साधु संत जाके स्नान कर रहे हैं। साथ ही इसमें एक चीज जो खास है कि सुरक्षा के पूरे पूरे इंतजाम किए गए ताकि किसी तरह की भगदड़ या कोई भी अप्रिय घटना वहां पे ना घट सके। तो इस चीज को लेकर ही पुलिस ने और जो प्रशासन है उसने काफी अच्छे इंतजाम वहां पे किए गए हैं आज को देखकर। और सबसे सुबह 6:15 बजे से स्नान जो है चालू किया गया था। एक एक करके सभी अखाड़े जो है वहां पहुंचे थे। 3 समूह अखाड़ों के बनाए गए थे जिसमें जो है तीनों समूहों को बारी बारी से जाना था। करीब 45 मिनट एक एक उसको दिया गया था अखाड़े को कि आप जाए और इसमें वो डुबकी लगाएं। आपको बता दें इसकी शुरुआत जो हुई थी वो इसकी शुरुआत इसी से हुई थी कि मौनी जो बिल्कुल संदीप, यानी कि जिस तरह से हमारे प्रोड्यूसर ने हमें जानकारी दी है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं और वहीं अगर बात की जाए सहूलियत की, सुविधाओं की, तो सुविधाओं का भी पूरी तरह से ध्यान रखा गया है क्योंकि श्रद्धालु बड़ी संख्या में वहां पर आ रहे हैं शाही स्नान के लिए। ऐसे में मौन अमावस्या पर ये शाही स्नान होने जा रहा है। फिलहाल दो का पंच में आज बस इतना ही। आज भी हमने आपको रुक कराया 5 बड़ी खबरों के साथ। कल एक बार फिर से होंगे हाजिर लेकर दो का पंच। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।